सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए व्लॉग पे। एंड गाइस माफी भी चाहता हूं कि भाई इस टाइम पे मैं रेगुलर व्लॉग्स नहीं अपलोड कर पा रहा हूं, और उसके पीछे कुछ रीज़न है। कुछ बातें मैंने बताई भी थी कि मैं अभी ट्रैवलिंग व्लॉग्स स्टार्ट करने वाला हूँ, तो थोड़ी सी उसकी भी तैयारी है। और बाकी जो मैंने अपना म्यूज़िक का काम छोड़ रखा था पिछले 2 साल से, तो मैंने उसको भी थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया है। और अभी आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को मैंने कुछ बनाया है अपना म्यूज़िक से रिलेटेड, जो अभी आने वाले कुछ दिनों में आएगा। फिलहाल थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसको अभी मैं आप लोगों को सुनाऊँगा। बट अभी क्या है, अभी और अगर अभी मैं बात करूँ तो भाई आज दिन है संडे का, और ये धूप निकली हुई है, किट्टू नहा रही है, इस वजह से बहुत चिल्ला रही है। और ये सेटअप तो आप लोगों को भैया दिखाई दिया था हमने, तो ऐसा कुछ अपना सेटअप जो है वो तैयार हो गया है। एंड गाइस अभी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, कुछ मैंने बनाया है। एक शॉर्ट बनाने के लिए जो है मैंने एक गाने को सेलेक्ट किया था, उसका म्यूजिक बनाया है। अभी मुझे उस पर वोकल्स अपने रिकॉर्ड करने हैं, डमी वोकल्स मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं। बट एक्चुअली क्या है, यहाँ पे कहीं पे भी कोई साउंड प्रूफ जगह नहीं है, तो क्या होता है उसमें बहुत सारी नॉइस रिकॉर्ड हो जाती है। तो आज मुझे जाना है थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि जो मेरा अंदर किचन के बगल में रूम था जहाँ पे मेरा पहले सिस्टम रखा हुआ था, क्योंकि वो जो एरिया है वो बहुत छोटा है, और उसको अगर थोड़ा सा साउंड प्रूफ करना चाहें तो मतलब कम पैसे में थोड़ा सा DIY टाइप का हो जाएगा, जिससे साउंड वहाँ पे अब्सॉर्ब हो जाए, एको ना करे, क्योंकि वो सारी चीज़ें माइक में रिकॉर्ड हो जाती हैं, जो कि जो पूरा प्रोजेक्ट होता है ना उसको मडी बना देती हैं, और मतलब उसकी क्वालिटी जो होती है ना प्रोफेशनल नहीं लगती। तो मुझे अभी उसके लिए भी जाना है। एंड अभी मैं जा रहा हूँ नहाने, क्योंकि नहा धो के मैं आपको जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है थोड़ा सा उसको सुनाऊँगा, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा अगर मैं पूरा सुना दूँगा इस वीडियो में। और उसके बाद फिर हम चलेंगे मार्केट, कुछ सामान लेना है साउंड प्रूफिंग के लिए। गाइज रामायण भी हो रही है गांव में ही, एक लोग हैं उनके यहाँ, तो उसकी भी हो सकता है आवाज़ आ रही हो, तो भाई आज के लिए उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो बने रहिएगा व्लॉग में, आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट। नहाते हैं फिर आपसे मुलाकात करते हैं। पूजा कर ली है। एंड गाइस अब मैं आप लोगों को सुनाता हूँ जो मैंने म्यूजिक का प्रोजेक्ट अपना बनाया है। फिलहाल अभी एक गाना सेलेक्ट किया था, उसका कुछ ट्रैक बना लिया है, वोकल्स डमी रिकॉर्ड किए हैं। चलिए फटाक से आपको सुनाते हैं, फिर आप लोग बताइएगा। वैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक छोटी सी रील उसकी डाली है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि क्योंकि वहाँ पे मैं अपनी जो भी चीज़ें होने वाली होती हैं वो सारी अपडेट करता रहता हूँ। तो आप लोग जाइए, नीचे यहाँ पे मैं देता हूँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। आइए फटाक से आपको सुनाते हैं। तो भाई सबसे पहले अपना PC ऑन करते हैं। सो गाइस भाई ये देख सकते हो प्रोजेक्ट मैंने खोल दिया है, और अभी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ जो मैंने बनाया है। और वोकल्स मैं ऑफ कर दूंगा वरना मुझे कॉपीराइट आ जाएगा। बीच में थोड़ा सा मैं आप लोगों को ऐसे ही मुंह से गा के सुना दूंगा म्यूजिक के साथ में, वहां से आप लोग समझ जाइएगा कि कौन सा गाना है। तो चलिए प्ले करता हूँ। Thank you.
बस क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया। तो गाइस ये मैंने कुछ बनाया है और मतलब छोटा सा पार्ट है बस, एक अंतरा और मुखड़े को मैंने बनाया है, बाकी अभी ये शुरुआत है और आगे मैं बनाता रहूँगा और भी, क्योंकि म्यूज़िक का काम जब मैं लखनऊ में था तब कर रहा था, फिर वहाँ से जब से यहाँ पे मूव हुआ हूँ तब से मैंने म्यूज़िक का कोई भी काम नहीं किया था। और एक इशू ये भी था इस चैनल पे कि अगर म्यूज़िक से रिलेटेड कॉन्टेंट अपलोड करो तो या तो आप कंटेंट को ऑन करते हो तब तो चल जाएगा, अगर आप कंटेंट को ऑन नहीं करते हो, मेरा मतलब है कि अगर आप कवर सॉन्ग्स को या मतलब जो सॉन्ग्स पहले से बन चुके हैं उसको आप अपलोड करोगे किसी भी वे में, तो भाई वो कंपनी आपको कॉपीराइट दे सकती है, स्ट्राइक। तो इस वजह से मैं कोई भी म्यूज़िक रिलेटेड जो है मतलब व्लॉग्स में नहीं करता था, बट मैं ये सारे वीडियोस जो भी होंगे मैं दूसरे चैनल पे डालूंगा जहाँ पे केवल म्यूज़िक का ही कंटेंट होगा, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा अभी, तो आप लोग वहाँ पे जाके फॉलो करिएगा जो लोग भी म्यूज़िक से रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करना चाहते होंगे। तो गाइज ये बनाया है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भाई कैसा है क्या है। बाकी अभी इसकी मिक्सिंग मास्टरिंग और वोकल्स जो हैं रिकॉर्डेड हैं, बट वो डमी वोकल्स हैं क्योंकि अभी मेरे पास कोई साउंड प्रूफ जगह नहीं थी, तो फिलहाल अभी मैं जाऊंगा मार्केट, जो मेरा छोटा सा रूम है किचन के बगल में, उसको साउंड प्रूफ करने के लिए, थोड़ा सा एकॉस्टिक ट्रीटमेंट देने के लिए, कुछ सामान लेने के लिए जाऊंगा। तो आइए चलते हैं, बने रहिएगा ब्लॉग में। सो गाइस भैया रेडी हो गया हूँ, बस जैकेट डाल लेंगे ऊपर या स्वेटर, चलिए चलते हैं भाई। सो गाइस जाने से पहले भाई थोड़ा सा भोजन भी कर लें, तो भाई फिलहाल दाल चावल खा रहा हूँ, रोटी खाने का मन नहीं है। चलो भैया खाना भी हो गया है, उठाते हैं अपनी गाड़ी की चाबी और अपना जैकेट, पुराना पहनते हैं भाई, ऑर्डर मिला है पुराना वाला पहनना, तो गाइस चलिए चलते हैं। सो गाइस यार भाई मार्केट गए थे, मार्केट से आ गए और भैया सॉरी वहाँ पे गए थे तो भाई वीडियो बनाना ही भूल गए थे। और ये देखिए भाई ये मैं फॉर्म लेके आया हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये फिलहाल अभी 6 लेके आए हैं क्योंकि रूम ज़्यादा बड़ा नहीं है और मैंने नापा नहीं था कि कितने लगेंगे इस पूरे रूम में, तो इस वजह से भाई 6 लेके आए हैं और अभी रात में इनको जो है दीवार पे थोड़ा सा ऐसे हाथ से पकड़ के चेक करेंगे और नापेंगे कि अभी इसमें कितने और लगेंगे। वैसे अब और ज़्यादा नहीं लगेंगे मेरे ख्याल से, 2-3 और लग पाएंगे तो लग पाएंगे, बाकी मेरे हिसाब से इनफ है। तो यही लेने के लिए गया था मैं क्योंकि इसको लगाने के बाद साउंड में जो एको आता है वो कम हो जाएगा, कम क्या होगा एकदम गायब ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर एक कपड़ा भी देखा है जो बहुत अच्छा होता है, जो स्टूडियो में कपड़ा जो यूज़ होता है ना वो वाला कपड़ा भी देखा है, तो क्योंकि जहाँ पे जिस दुकान पे मैं गया था वो खुद ही मुझसे बोल रहे थे कि यहाँ पे एक दो लोग और भी आए थे स्टूडियो का सामान मतलब स्टूडियो में लगाने के लिए ये सारी चीज़ें लेने के लिए, तो उन्होंने मुझे खुद ही से सजेस्ट कर दिया कि आप ये चीज़ लेके जाओ, ये वाला कपड़ा ले लेना। तो अभी मैं फ़िलहाल कपड़ा वपड़ा नहीं लाया हूँ क्योंकि अभी मुझे पूरी इसकी जो नाप है ना उसको मतलब इसका मेजरमेंट करना था कि अभी और कितना लगेगा, तो आज इसको लगा के हल्का फुल्का देख लेंगे, नाप लेंगे और कल फिर जो कम पड़ेंगी शीट 1-3 वो ले आएंगे और कपड़ा ले आएंगे और उसके बाद फिर भाई चालू करेंगे इसको लगाना। सो गाइस अभी आ गए हैं मार्केट भाई सब्जी खरीदने के लिए, और ये देखो भैया कुछ हल्की हल्की शाम हो गई है, अंधेरा भी हो गया है, किट्टू को भी लेके आए, मैं आया था गाड़ी से झोला निकालने के लिए, और भैया फुलटू जाम लग चुका है एकदम पेलम पेल। हाँ जाम लगा है, ये देखिए भैया यहाँ पे किट्टू लोग खरीद रही हैं सब्जी। सो गाइस भाई सब्जी वब्जी लेके वापस आ गए हैं और अब देखते हैं कि भाई थोड़ा सा जो
सामान लेके आए उसको जरा नापने की कोशिश करते हैं, ताकि कल जो थोड़ा बहुत बच रहा है वो भी ले आए और जो कपड़ा ऊपर से लगाने वाला है वो भी ले आए।